सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ बुक टॉक्स विद अभिषेक। बेसिकली इस सीरीज में हम लोग डिफरेंट बुक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, क्या आपको वो किताब खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको अच्छे खासे तरीके समझ में आ जाता है कि वो किताब आपके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, आपको वो किताब खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, ये चीज आपको अच्छे खासे तरीके से समझ में आ जाती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यार बात करने वाले हैं प्रदीप के फिजिक्स के बुक के बारे में। ये किताब है काफी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री बुक है यार। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का कोई भी स्टूडेंट इस किताब को इस्तेमाल कर सकता है। जब हम लोग यार क्लास 9 से अबव हो जाते हैं तब हमारे साइंस के सब्जेक्ट को यार डिफरेंट कैटेगरीज में यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में डिविजन कर दिया जाता है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के डिफरेंट बुक्स को हम लोग फॉलो करना शुरू करते हैं, डिफरेंट तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं। फिजिक्स के लिए डिफरेंट बुक होता है, केमिस्ट्री के लिए डिफरेंट किताबें होती है, बायोलॉजी के लिए डिफरेंट किताबें होती हैं, पढ़ने का स्ट्रेटजी कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यार प्रदीप की फिजिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ये क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किताब है सबसे बेस्ट सप्लीमेंट्री बुक माना जाता है एनसीईआरटी के साथ साथ। इस किताब को आप अच्छे खासे तरीके से फॉलो कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। इस तरीके की किताबें काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। इस किताब में आपका थ्योरी एज वेल एज क्वेश्चन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। अगर हम लोग इस किताब को थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर आपको सारे के सारे डेफिनेशन, डिफरेंसेस, ग्राफ्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, हर एक चीज को काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके आपको समझाया गया है। जिस तरीके से आप एनसीईआरटी में चैप्टर को देखते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आइडेंटिफाई करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है, तो उन सभी चीजों को आसानी से सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। प्रेजेंटेशन इस किताब की काफी ज्यादा अच्छी है। इस किताब की प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ यार, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन के लिए भी ये किताब फिर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप हो, लॉन्ग आंसर टाइप हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो यार, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करके आपको समझाया गया है। डिफरेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, डिफरेंट क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो। स्पेसिफिकली हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूमेरिकल और थ्योरी के क्वेश्चन दोनों ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको कवर करवाए जाएंगे। डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे के सारे चीजें यहाँ पर आपकी कवर हो जाएंगी। प्रदीप की फिजिक्स की बुक यार डिफरेंट क्लासेस में आती है, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का कोई भी स्टूडेंट इसको देख सकता है। अभी आपको स्क्रीन पर सारे के सारे किताबें दिखाई जा रही है, अब वीडियो पॉज करके या फिर स्लो करके आसानी से इन सभी चीजों को देख सकते हो। अब हम लोग हर एक क्लास के हिसाब से डिस्कस करना शुरू करते हैं कि आखिर आपको कहाँ पर क्या करना चाहिए। ध्यान से समझ लो यार, अगर आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हो तो प्रदीप की फिजिक्स की किताब आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दूसरे कौन से एग्जामिनेशन में आपको मदद करेगी वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी एक चीज समझ लो यार, अगर आप क्लास 9th और क्लास 10th हो तो ये किताब आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हो तो आपको यार इसके अल्टरनेटिव भी कई सारी किताबें यार मिल जाएंगी। प्रदीप की क्लास 11th और क्लास 12th की किताब काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ यार, लेकिन उसके अल्टरनेटिवली यार कई सारी किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, जैसे कि आपको एसएल अरोरा मिल जाता है, कई सारे डिफरेंट किताबें यार मिल जाएंगी जहाँ पर कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा होता है, जहाँ पर आपका प्रिपरेशन लेवल थोड़ा हाई जाता है, तो उन सभी चीजों को आप आसानी से फॉलो कर सकते हो। उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा आखिर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना चाहिए, उसको आप डिसाइड कर सकते हो। अगर हम लोग इसके कंटेंट के बारे में बात करें आखिर कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाता है, तो पर्टिकुलरली जिस क्लास का बुक खरीदने वाले हो उस क्लास के साइंस में एनसीईआरटी के बुक में जितने भी फिजिक्स के टॉपिक होंगे वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। ध्यान से सुन लो यार, एनसीईआरटी में जितने चैप्टर्स होंगे, जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स होंगे, उन सभी चीजों को यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे। जिस तरीके से आरडी शर्मा में चैप्टर्स को डिवाइड किया जाता है, यहाँ पर चैप्टर्स को वैसे डिवाइड नहीं किया जाता, जैसा चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी में होगा उसी तरीके से यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा भी यहाँ पर आपको समझाया जा सकता है, लेकिन चैप्टर यार उतने ही होने वाले हैं। अगर आपका लाइट है तो आपको लाइट ही पढ़ाया जाएगा, टॉपिक यार यहाँ पर आपको इंक्रीज करके नहीं समझाया जाएगा। अगर हम लोग इस किताब के डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इसकी डिफिकल्टी लेवल यार एनसीईआरटी के बराबर होती है, इसीलिए ये किताब यार बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डिफिकल्टी लेवल एनसीईआरटी के लेवल से मैच करता है। आपके बेसिक फंडामेंटल प्रिपरेशन
प्रिपरेशन के लिए ये किताब यार आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आनी जरूरी है, जैसे जैसे आप हायर क्लास को मूव करते जाओगे प्रदीप की फिजिक्स की बुक भी यार धीरे धीरे मोटी होती जाएगी, और जैसे जैसे हम लोग हायर क्लास को मूव करते हैं किताब के डिफिकल्टी लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि ये किताब आपके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं। अगर हम लोग ड्यूरेशन की बात करें, आखिर आपको इस किताब को खत्म करने के लिए कितना टाइम लग सकता है, तो ध्यान से समझ लो यार, अगर आप अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हो, सिलेबस में जैसे जैसे टॉपिक्स है उसी हिसाब से आप पढ़ना शुरू करते हो, तो आपको पूरा का पूरा सेशन लग सकता है। अगर आप किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, कम टाइम में भी आप फिजिक्स के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हो। ये एक सप्लीमेंट्री बुक है यार, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, WH वाले क्वेश्चंस मिल जाते हैं, फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये किताब आपको काफी ज्यादा मदद कर सकती है। जिस तरीके से आप पढ़ोगे उसी के हिसाब से आपका ड्यूरेशन भी डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे यार इसको सेशन एंडिंग तक खींचते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस किताब का बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए ही एज्यूम करते हैं। अब हम लोग एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रदीप की फिजिक्स की किताब आपको हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पर आपको सबसे बेसिक चीज समझ में आनी जरूरी है कि ये किताब आपके बेसिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद कर रही है, और बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना हर एक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका SOF ओलंपियाड एग्जामिनेशन हो जाए, सिल्वर जोन ओलंपियाड एग्जामिनेशन होता है, कोई भी ओलंपियाड एग्जामिनेशन के लिए बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका SOF का NSO का एग्जामिनेशन होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NTC की तैयारी करो, KBBY की तैयारी करो, बेसिक प्रिपरेशन के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा तभी जाकर के आप नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर पाओगे, इसलिए ये किताब आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है जब आप अपने बेसिक प्रिपरेशन कर रहे हो। इस तरीके से आप इन सभी एग्जामिनेशन के लिए प्रदीप के फिजिक्स की किताब को रेफर कर सकते हो। प्रदीप के फिजिक्स की किताब के अलावा भी यार केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किताब भी आती है, जिनके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में जरूर डिस्कशन करेंगे। ये किताब यार आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे क्लास 9th और क्लास 10th में ये किताब काफी ज्यादा पसंद आई थी। बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, सिस्टमैटिक प्रिपरेशन के लिए ये किताब आपको काफी ज्यादा मदद कर सकती है। आप अपने अच्छे तरीके से नोट बना सकते हो इस किताब की मदद से, NCERT को फॉलो करो, दोनों के दोनों किताबों को मिलाकर के एक सिस्टमैटिक सिंथेसाइज नोट यार बना सकते हो, आपको काफी ज्यादा मदद यार मिल जाएगी। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बेसिक प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब यार काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। सो होपफुली आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अब आपको एक क्लियर विजन मिला होगा कि आखिर ये किताब आपके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये किताब आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, अब आप अच्छे खासे तरीके से डिसाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम किसी दूसरे किताब के बारे में डिस्कशन करें, अगर आप अपना कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हो तो अभी आपको एक ईमेल दिख रहा होगा, इस ईमेल पर आप अपना रिकमेंडेशन दे सकते हो, हम उन सभी चीजों के बारे में जरूर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बता सकते हो यार, हम उन सभी चीजों के बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे। तो तब तक भी चलते हैं, गुड डे एंड बाय।